व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज भी आप देख रहे हो मैं रेडी हूँ और कहीं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने जो मेरे क्लासमेट है, मामा भी लगते हैं, तो मैं उनकी शादी में जा रही हूँ। तो फिलहाल मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कुछ लोग। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5 भी नहीं, हाँ अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं रेडी होके आई हूँ सड़क में, वो यहाँ नहीं रुके हैं, उन्हें लिफ्ट मिल गई थी तो वो सामने वेट कर रहे हैं। और हमें जाना है पैदल, शाम के 6 बजे से पहले पहुंचना है, बस ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का रास्ता है, इसलिए हमें जाना है अभी। और मेरी पड़ोस की भाभी है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो हमेशा शादी में आरदी साथ जाते हैं, तो आरदी मेरे साथ अभी नहीं है क्योंकि वो, जैसे आप लोग जानते हो कि वो टीचर है, तो वहीं पर वहीं से वो स्कूल से मेरे मामू के घर आई है। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो वहाँ से आई है मामू के घर से। और बड़े मासी वगैरह सब आए हैं, भैया वो भी सब है। तो अभी मैं पहुँची हूँ अपने मामू के घर, यहाँ है मामी जी, रेडी हो चुके हैं और दी भी रेडी है, इसकी ये ड्रेस बनाई थी मैंने सुबह। और ये रहे बड़ी मासी पीछे, बड़ी मासी और सारा लो। हम रेडी हो चुके हैं, तो अभी अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ शाम के 8 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं, हेमतम का घर वसी नजदीक है, तो हम चले हैं हेमतम के घर शादी में। चलो मामे और दूल्हा आ चुका है, हम अभी खेत में जा रहे हैं नीचे घर की ओर। ये देख सकते हो आप, ये है शादी का घर। और शहनाई वाले आए हैं, तो शहनाई बज रही है दूल्हे के स्वागत में। तो कैसी है वो शादी वाला घर, हेमतम का घर। और अभी हम पहुंच गए हैं हेमतम के घर पे, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब लोग मैरिज करके आते हैं तो कौन कौन सी रस्में होती है, क्या क्या रस्में निभानी पड़ती है। मैं आप हर रस्म के बारे में बताऊंगी। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, यहाँ शादी में मुझे मिले मेरे को सब्सक्राइबर्स जो हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं। और जब वीडियोस देखने वाले मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि आपने वीडियो, आप वीडियो डालते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन सब से मिलके जब वो ऐसा कहते हैं। तो गाइस आप सभी लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस मामे आ चुके हैं, दूल्हा और मामोए के सारे गांव वाले, उनकी फैमिली के सब लोग आए हैं। तो जब लव मैरिज होती है, उसके बाद जो दूल्हा होता है अपने मामा के घर जाता है, तो सारे मामे वाले आते हैं दूल्हे के साथ उसके घर। उस शहनाई और ढोलक के साथ दूल्हे और मामा का वेलकम होता है। और गाइस आप देख सकते हो सब लोग बजा रहे हैं सॉन्ग, डांस भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ तो उनके मामा जी आए हैं, इनके पास बस रिबन कट करेंगे। और रिबन कट करने के बाद एंटर होंगे, और सबसे पहले शराब की बोतल दी जाती है उनकी बहन के द्वारा उन्हें। तो रिबन बाबा निकल रहा था इसलिए उसे लगा रही थी बार बार। शाबाश।
तो आप देख सकते हो गाइस, जो भी जेंट्स है उन्हें गर्दन के ऊपर एक पतला शॉल डाला जाता है और कुछ को टोपी लगाते हैं और मालाएं पहनाते हैं, तिलक लगता है, और जो लेडीज़ और गर्ल्स है उन्हें सूट दिया जाता है। और ये है दूल्हे के साथ बकरा लाया है उनके माँ बाबा ने, आटा चावल भी लाते हैं एक एक आटा, और बकरा भी लाया जाता है। पूरी शानदार तरीके से दूल्हे का वेलकम होता है उसके घर में उसके मामाओं के साथ। और ये है दूल्हे के मम्मी डैडी, मेरे नाम नानी जी लगते हैं, और ये आटे चावल की कटी ले गए अंदर। ये दूल्हे की भैया है रजत मामू, मामू लगते हैं मेरे, इनकी सिस्टर है, मासी है पर छोटी सी है, मासी लगती है वैसे। और मामा सब चले गए हैं घर के अंदर, अब दूल्हा दुल्हन का वेलकम हो रहा है, दूल्हा वेट कर रहा है बाहर, अब होगा दूल्हा दुल्हन का वेलकम। तो दुल्हन भी गेट के अंदर आ चुकी है, अपनी सास के पैर छू के सुई करके आशीर्वाद ले रहे हैं। अब दूल्हे जी भी आ गए, दुल्हन के भैया सब आ गए हैं, बाकी सब एंटर कर चुके हैं अंदर। दूल्हे की आंखों में आंसू आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन का थोड़ा सा फोटोशूट होता है गेट के पास, फिर सभी चलते हैं अंदर घर की ओर। तो अब शादी में हम खाना खा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत थी और भूख लग रही थी, इसलिए मैं दी मासी वगैरह भी है, हम सब खाना खा रहे थे तो खाना। और ये रहे हमारे दूल्हा जी, देखिए बहुत लंबे हैं, दीदी उनके पास बहुत छोटी लगती है, और इन्हें लग रहा था कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ बट इन्हें पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। डांस किया, बस अब चले घर की ओर क्योंकि रात बहुत हो गई है, रात के 11 बज गए हैं, 11 बज गए, चलो घर चलते हैं। पहुंच चुके हैं मामू के घर पे, तो अभी रात बहुत हो चुकी है, अभी आप देख सकते हो 11:30 बज गए। तो गाइस 11:30 बज चुके हैं, अब वीडियो यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।